हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों आपने थर्मेल में देखे होंगे जो पिक्चर में जो व्हाइट आउटलाइन जो है दोस्तों, ये कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इजी है, आपको इस वीडियो में आपको परेड गली में करके दिखाने वाला हूँ। और ऐसे पिक्चर पे आउटलाइन जो व्हाइट कलर का लगाते हो तो इससे काफ़ी आपका जो थर्मेल है हुई ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफ़ी बेहतरीन लगना शुरू हो जाता है। तो इसे कैसे बनाते हैं और किस ऐप से दोस्तों बनाते हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो क्लिक करना होगा अपने मोबाइल से। फ़ोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र में चले जाइएगा, यहाँ से काफ़ी HD क्वालिटी में आपको बैकग्राउंड चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों सर्च बार में लिखिएगा BG रेनबो, ठीक है। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रेनबो इमेज बैकग्राउंड। यहाँ पर जब दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेट इमेज लिख रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपने जो पिक्चर अभी खींचे थे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से 3 डॉट पे जाएंगे, गैलरी में चले जाएंगे, आप जो भी फोल्डर में आपका फ़ोटो होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, ये थोड़ा देर समय लगेगा, उसके बाद से आपका बैकग्राउंड जो है ये चेंज हो जाती है। तो इसे थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके नेट के ऊपर क्वालिटी के ऊपर है, क्योंकि अगर नेट अगर फास्ट है तो काफ़ी जल्दी हो जाती है, अगर नेट स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा ये बैकग्राउंड जो था वो चेंज हो गया है। तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपका जो है ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। चलिए मैं आपको ये करके दिखा भी देता हूँ गैलरी में कहाँ पर गया है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके डाउनलोड फोल्डर होगा वहाँ पे ये चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये पिक्चर आ गया है। अब सबसे पहले ये करने के बाद दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर में चला जाना है, यहाँ पे वो पिक्सल लैब आपको यदि करना होगा, डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको दोस्तों आप इंस्टॉल नहीं किए हो तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था। तो इसे आप सिंपली आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे डिबग का जो आइकन आपको दिख रहा होगा ऊपर यहाँ पे, इसे डिबग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 राइट साइड 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है साइज, इमेज साइज लिख रहा होगा, इमेज साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यूट्यूब थर्मेल के लिए बनाना चाहते हैं या प्रोफाइल पिक्चर के लिए बनाना, जिस क्वालिटी के लिए बनाना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम YouTube थर्मेल के लिए यूज करना चाहते हैं तो YouTube थर्मेल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 1280 सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ओके कर देंगे। अब दोस्तों बात आती है ये कलर की, अगर कलर आपको अगर मान लीजिए चेंज करना है तो यहाँ से जो है, अगर कलर चेंज करना होगा दोस्तों तो आप यहाँ से जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद आता है यहाँ पर कलर, कलर यहाँ पर जो भी आपका होगा सिलेक्ट कर लेंगे, वाइट, ब्लैक, बैगनी, जो भी आपके कलर आपका मन पसंद है। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो अपने पिक्चर जो खींचे थे, जो जिसका बैकग्राउंड आपने चेंज किया था, तो यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर, यहाँ फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी बैकग्राउंड जो चेंज किए थे वो सबसे फर्स्ट में आ जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट में अगर नहीं आता है तो आप यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गैलरी है, गैलरी में जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप इसे थोड़ा सा क्रोम कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे यहाँ से, ठीक है। आप अपने थर्मेल के अनुसार यहाँ पे साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं, छोटा बड़ा, जिसे जितना आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर अपना एडजस्ट कर लेंगे इसको। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर वाइट आउटलाइन करने का, ये बीच वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक शैडो दिया होगा, शैडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिंपली इसको ऑन करेंगे। अब यहाँ पे जिस कलर का आपका लगाना है वाइट शैडो, जैसे यहाँ पे वाइट शैडो अगर लगाना है तो वाइट भी आ जाएगा, ये कलर ब्लैक, पिंक, जो भी आप कलर
रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे चलिए मैं व्हाइट रखता हूँ। यहाँ से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जितना मोटा पतला रखना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इतना पे करके ओके कर देता हूँ। दोस्तों ये मेरा हो गया। अब बात आती है कुछ टाइप करने की कि कैसे मैं रखूँ। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे कि मैं क्लियर कर दूँ कि अगर कोई आपको यूट्यूबर अगर ये बताता है कि यहाँ से फिर ये सेटिंग कीजिए, वहाँ से ये एडजस्ट कीजिए, तो ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम ज़्यादा लगाने के लिए यूट्यूबर काफ़ी लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं जितना शॉर्टकट में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। तो यहाँ से लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा तो आपका जो है यहाँ पे जो भी टाइप करना होगा आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैं वो YouTube ही लिख देता हूँ, यहाँ से YouTube क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप दोस्तों इसका साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं डबल टी लिखा हुआ है साइज़। इस पे जब दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से बड़ा छोटा जितना इसको बढ़ाइएगा उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ से ओके कर दीजिए। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर दिया हुआ है, यहाँ से ब्लैक कोई भी कलर चॉइस कर सकते हो, रेड। चलिए मैं यहाँ पे पीला करके रख देता हूँ, ठीक है। पीला पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा चॉइस करने का कि किस लैंग्वेज में किस स्टाइल में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको स्टाइल दिया गया है लैंग्वेज का, आप जिस स्टाइल में रखना चाहते हैं उस स्टाइल में भी रख सकते हैं। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आपका हो गया। अगर पीछे का बैकग्राउंड अगर लगाना चाहते हो अगर, ठीक है, तो आप जो है ऐसे करके लगा सकते हो, जो भी आपके कलर पसंद है आप लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपके बड़ा छोटा भी यहाँ से साइज जो है कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो यहाँ से जो है शेयर पे, उसके बाद सेव टू गैलरी, यहाँ से सेव आपका हो जाएगा, ये आपका जो है गैलरी में जाकर सेव हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो एक प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आप लोग। दोस्तों इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको काफ़ी आसानी से आप डाउनलोड कर सको। और दोस्तों अभी तक मैंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई हेल्प या यूट्यूब से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके या हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहो और कोरोना से बच के रहिए।